अस्सलाम वालेकुम, अर्जुमन मंसूर अपने चैनल मेन्यू मेल में आपको खुशामदीद कहती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको फौरन मिल सकें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं हैदराबादी अचारी सलाद। इसके लिए हमें जो अज्जा दरकार हैं वो ये हैं। इसमें शामिल की है मैंने दो बड़ी गाजरें, दो अदद शिमला मिर्च और छह से आठ के करीब हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, ये आपके सामने मौजूद हैं। ये एक अदद छोटा गोभी का फूल है जिसे मैंने गर्म पानी में हल्दी डालकर हल्का सा ब्लांच कर लिया है और उसे फिर मैंने कपड़े में डालकर खुश कर लिया है। मुझे पसंद है, मैंने डाला है, आपको पसंद हो तो आप भी शामिल कीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल खुश कर लिया है मैंने। इसके बाद ये डेढ़ प्याज, एक दरमियानी साइज की डेढ़ प्याज ली, एक पूरी प्याज और आधी, और इसे भी मैंने ठंडे पानी से इसके झल को निकाल लिया है और कपड़े से इसको अच्छी तरह खुश कर लिया है। इसके बाद इसमें शामिल की है मैंने दो चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधी चम्मच सौंफ और आधी चम्मच जीरा है। इसको मैंने बारीक पीसा नहीं है बल्कि मैंने इसको जरा दरदरा सा कूट लिया है। इसके बाद जो मैंने इसमें शामिल किया है वो है हल्दी, एक चाय के चम्मच के करीब है वो मैंने इसमें शामिल की। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब राई दाना है जिसे मैंने अच्छे से साफ करने के बाद अच्छी तरह से कूट लिया है। नमक आपको मालूम है, हस्बी जायका है। इसके बाद ये दो चम्मच सिरका है और तकरीबन एक चम्मच ये मेरे पास लेमन सॉल्ट है। अच्छे से इसके अंदर इसको मिक्स किया है, आप भी इस तरह इसको मिक्स करें। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी ये इतना ही जायका होगा। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए तमाम सब्जियां, हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। बस अब आप इसको ढककर फ्रिज में रखते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन एक हफ्ता तो ये आराम से, चूंकि हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया तो एक हफ्ता तो ये आराम से आपके फ्रिज में रह सकता है। आप इसे बनाए रखें और रमजानों में इसको एंजॉय करें। अगर आपको पसंद आए मेरी ये रेसिपी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने आरा से मुझे मुस्तकीद करें ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि जो मैं चीजें आपके लिए तैयार कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है।